ये है धड़ा मार्केट जौहरी बाजार। धड़ा मार्केट जौहरी बाजार में यह मंदिर आता है। आज हम यहाँ आए हैं पंडित टोडरमल जी साहब की कर्म भूमि, जो कि बहुत प्राचीन जौहरी बाजार में हल्दियों के रास्ते पर स्थित है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और पंडित टोडरमल जी साहब की कर्म भूमि रही। यहीं पर बैठकर उन्होंने मोक्षमय प्रकाशक जी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि अनेक ग्रंथों की गाथा इत्यादि भी लिखी। यही वह अत्यंत प्राचीन मंदिर है। आइए हम इसके दर्शन करते हैं। जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, सामने आते ही एक भव्य सुंदर स्वाध्याय हॉल। और इस मंदिर की खासियत इतनी गजब की है कि आज 300 बरस हो गए, 300 साल बाद भी यहाँ पर अनवरत रूप से स्वाध्याय की परंपरा चलती है। आज भी यहाँ पर डॉक्टर पंडित संजीव कुमार जी गोदा के माध्यम से प्रतिदिन यह तत्व ज्ञान की धारा अनवरत रूप से बह रही है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसी भूमि पर बैठकर पंडित जी साहब ने यह जो मोक्षमय प्रकाशक है इसको संपन्न किया होगा। इन्हीं पिलरों में, इन्हीं कहीं के आसपास बैठकर पंडित जी साहब बहुत सुंदर तरीके से अपने ज्ञान को हमें जन जन तक पहुंचाया, और उन्हीं के माध्यम से आज हम सभी भी इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार को थोड़ा बहुत समझ पाने में, सीख पाने में संभव हो रहे हैं। यह स्वाध्याय हॉल है, यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय की सभा चलती है। यह वो मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यही वो स्थान जहाँ पर अभी प्रतिदिन की सभा लगती है पंडित जी संजीव कुमार जी गोदा जी साहब के माध्यम से। यदि आपको और अंदर ले जाया जाए, और अंदर यदि परिचय कराऊं, तो इस मंदिर के अंदर ही यही जो स्थान है, यहीं पर पंडित जी साहब ने ये जो मंदिर है, देख पा रहे होंगे, यहीं कहीं पर बैठकर पंडित जी साहब ने अपने ग्रंथों को पूर्ण करने का बहुत प्रयास किया, परंतु दुष्ट राजा के माध्यम से उन्हें इस प्रयास में असफल रखा गया। और ये उद्विद्वंत परंपराओं में से एक जिन्होंने आज तक यहाँ स्वाध्याय की परंपरा को चलाया हुआ है। अनवरत रूप से 300 बरस हो गए, यहाँ किन किन का नाम लिखा जाए, श्री मुखराम जी, श्री माणकचंद जी, श्री साजूलाल जी, श्री घासीलाल जी, श्री बंसीधर जी, श्री गुमानी राम जी, उनके पुत्र थे ये, श्री बुद्धचंद जी उर्फ बदीचंद जी, श्री शिव जी लाल जी, श्री ब्रह्मचारी रायमल जी, श्री रायमल जी, पन्नालाल जी, पाटनी भागचंद जी, श्री बख्तावरलाल जी, श्री बख्तावरलाल जी कासलीवाल, सदाशुकलाल जी कासलीवाल, श्री बखत राम जी शाह, श्री डालू राम जी, श्री नंदलाल छाबड़ा, श्री मोतीलाल जी, श्री स्वरूप चंद बिरला बिलाला जी, श्री तन सुखलाल अभयचंद जी, श्री गुलाबचंद जी, किसी लाल जी, सोनी छगन लाल जी, पंड्या कन्हैया लाल जी, छुपा लाल जी जौहरी, पंडित संजीव कुमार जी गोदा, श्री संतोष जी जांजरी, श्री हुकुमचंद जी भारे, चैन सिंह जी पाटनी, मालीवाल कासलीवाल, और ये पंडित जी टोडरमल जी साहब की कृति। और उनकी कृतियाँ ये इस प्रकार है। और ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब, इन्होंने भी यहाँ अनवरत रूप से इतने सारे ग्रंथों का, कहीं वचनिका, कहीं भाषा टीका, कहीं स्वतंत्र ग्रंथ, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ लिखी है, ऐसा उल्लेख यहाँ मिलता है।
हो गई है। ये देखिए, ये पूरा जो मंदिर है वो इस प्रकार है। ये यहीं कहीं बैठकर पंडित जी साहब ने अपने ग्रंथ की रचना करी होगी। बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन, और आज दिन तक इसकी कलाकृति इतनी सभ्य और इतनी मेंटेन हो रखी है। इस मंदिर को संभालने में बहुत अभूतपूर्व योगदान सभी यहाँ के ट्रस्टी गणों का, सभी यहाँ के महानुभावों का रहा होगा। इस प्रकार की उनकी कृति रही है। ये पंडित टोरुमल जी साहब और श्री जयचंद जी छाबड़ा साहब, ये उनकी कृतियाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, श्री गोमठसार जी जी कौन भाषा टीका, श्री गोमठसार कर्मकांड जी भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि, नगदी सार जी, छपना सार जी, गोमठसार पूजा, त्रिलोक सार जी, श्री मोक्षमय प्रकाशक जी, श्री पुषार सिद्ध उपाय भाषा टीका। इस प्रकार सर उन्होंने जिस जिस वर्ष में वो काम किया वो तिथि सहित लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब, और यह उनकी इस प्रकार की कृतियाँ उनकी भी रही, अभूतपूर्व योगदान उनका भी रहा। ये मंदिर है उनका, आज उनको जाने के बाद भी 300 वर्ष तक यह मंदिर अनवरत रूप से सही रूप से सुचारू चल रहा है। यह पंडित टोडरमल जी प्रवचन कक्ष है। चलिए आइए हम इसके मंदिर, ओम से निस्से से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो ऊर्जायाम, नमो लोसवसहम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो ऊर्जायाम, नमो लोसवसहम। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासण मंगलाणम च सवे सिम पड़म होय मंगलम। जिनेन्द्र मुहूर्त में हमने देखा अजब की मूरत झलक रही है, जिनेन्द्र मुहूर्त पे हमने देखा गजब की मूरत झलक रही है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। तेरे दर्शन से स्वामी रखा है रूप में मेरा, तेरे दर्शन से स्वामी लखा है रूप में मेरा। यही लो पार कर देगी जो भक्तों को सुहाती है, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। वाह, अद्भुत अद्भुत। निरखो अंग अंग जिन भर के जिन से चल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिन भर के जिन से चल के शांति अपार,
अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय, अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाते पद्मासन विराज, जिन से जल के शांति अपार निरिखो अंग अंग जिन वर के, जिन से जल के शांति अपार लोचन द्वय जिन वर कहे देखा सब संसार, लोचन द्वय जिन वर कहे देखा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार, आते पद्मासन विराज जिन वर जल के शांति अपा, निरखो अंग अंग वर के जिन से जल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से जल के शांति अपार, हस्त युगल जिन वर कहे पर का करता हो, हस्त युगल जिन वर कहे पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही ब्राह्मण चतुर गति हो, याते पद्मासन विराज जिन वर जल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से जल के शांति अपार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अत्यंत अद्भुत। आहा अपूर्व आनंद, अपूर्व अपूर्व अपूर्व, ओहो अपूर्व। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप,